सवितांश ना यू मैथ्स एजुकेटर, कैसे हो बेटा जी आप सब लोग? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए बेटा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? चलो बच्चों, दिस इज सवितांजना योर मैथ्स एजुकेटर. बच्चे, आई हैव डन एमएससी एंड पीएचडी इन मैथ्स, और अब मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स. कहाँ पर? बहुत अच्छे के जैसे कि अन अकेडमी 11 एंड 12 चैनल पर. इसके साथ साथ प्लस क्लासेस भी होती हैं एंड स्पेशल क्लासेस भी होती हैं. कोमल गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ बच्चे कैसे हो? चलिए बहुत अच्छे बच्चे. इसके साथ बता दूं कि आप सब लोग सबसे पहले अगर टेलीग्राम के चैनल अन अकेडमी 11 एंड 12 को नहीं किया ऐड, तो ऐड कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. और बेटा बस बाउंड्री के बारे में कि आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इन द वीडियो, और आप इसके लिए प्राइज भी जीत सकते हो. और अब आ जाते हैं आगे, वो है एन अकेडमी अमर्ज. और आप क्या है, सबसे पहले कर सकते हो सीबीएसई टर्म 1 की तैयारी. जैसा कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न अपना नया चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे बेटा. फ्री लाइव मॉक टेस्ट आपको हर वीक मिलेंगे, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा. वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से, और जो टॉपर्स होंगे उनको मौका मिलेगा हमारे साथ अन अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म पर आने का, और ऑल इंडिया रैंक भी आप लोगों को मिलेगी. बढ़िया कोमल, बहुत अच्छे बेटा. सुनील नमस्ते बेटा जी. ज्योति हाय. करीना गुड इवनिंग. करण हाय बच्चे. टेस्ट कब कब होगा नोट कर लो डेट. क्लास 12th मैथ्स का होगा 25 सितंबर. देखो आज 23rd हो गई है, तो जल्दी से 2 दिन बाद ही आपका पेपर होने वाला है. टाइमिंग 5 PM to 6:30 PM. एंड फिर 26 को बायो का है बेटा, फिजिक्स का 27th, केमिस्ट्री का 28. तो अच्छे से तैयारी करके आपको पता भी चल जाएगा ना कि कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है. तो मुझे लगता है कितना अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि एग्जाम की तैयारी भी होगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और देखो अपने फायदे तो है ही बेटा. आप अपने टर्म 1 के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, है ना. टॉपर्स को आने का मौका भी मिलेगा सोशल प्लेटफॉर्म पर. तो ये सारे मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा. क्लास 12th आपका मैंने अभी बता दिया. क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो. 25 सितंबर को साइंस का होगा, 26 को मैथ्स का होगा. अरुण गुड इवनिंग बेटा. परसों है बिल्कुल कॉमल, परसों है बेटा. सिलेबस वही जो आपका सीबीएसई सिलेबस है ना, वही बेटा जो सीबीएसई का जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स का जो हमने टर्म 1 में सिलेबस किया वही सिलेबस होगा. यस बेटा. टर्म 1 फाइनल्स की तैयारी हो रही है ना बच्चे, तो टर्म 1 वाला सिलेबस आएगा आप लोगों के लिए. और अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है इस बार. ये जो ये वीक है पूरा, इसमें तो बेटा ऑफर्स ही ऑफर्स हैं. आपको पता है ना कि सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे अगर आप, प्लस या फिर आइकॉनिक जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्लान लो, और 9 मंथ्स का प्लान लोगे तो उसमें 10% पे जो डिस्काउंट मिलता था उस पर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट है. और 12 या 12 मंथ से अबाव कोई भी प्लान लो उस पर 10% के साथ साथ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है. कोड यूज करना बेटा सविता. क्यों आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लो? क्योंकि आप अपने घर पर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो. आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं, लाइव टेस्ट भी होते हैं, रेगुलरली आपके डाउट सोल्व किए जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे के सारे कोर्सेज का, मेंटरशिप मिलती है, पूरा सिलेबस कवर होता है और बैचेस शुरू होते हैं. और ये जो प्लान है 24 मंथ्स के लिए ले सकते हो, 18 मंथ्स के लिए ले सकते हो, 15, 12, 9 और 3 मंथ्स के लिए ले सकते हो. जैसे कि 12 मंथ्स की बात करें तो पर मंथ सिर्फ आपको 1250 रुपीज पे करना है, और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का क्या मिलना है, आपको ऑफर मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. और इतना ही नहीं, इस पे भी बेटा 10% प्लस 10% ऑफ है. 3 दिन बचे हैं, तो जल्दी करो और कोड यूज करो बेटा सविता. ओके
नाउ मूविंग टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्पेशल ऑफर, तो बेटा जल्दी करो, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ओनली 3 डेज आर लेफ्ट। एंड ऐसे ही आइकॉनिक है, आइकॉनिक में 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे एंड आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, आप लाइव डाउट पूछ पाओगे, वीकली रिपोर्ट मिलेगी, पेरेंट्स आपके कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल, स्टडी पैनल मिलेगा और अनअकैडमी ऐप के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाय करण, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो ये प्लान भी बच्चे 24 मंथ्स, 18, 15, 12, 9 और 3 मंथ्स के लिए मिलता है, जो प्लान चाहे वो ले सकते हो। बट अभी किस में फायदा है 9 मंथ्स का प्लान लेने में, या 12 या 12 मंथ से ऊपर के प्लान लेने में फायदा है, क्योंकि इन पे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। तो बेटा जी देरी नहीं करनी है, जल्दी से जो भी प्लान अच्छा लगे वो प्लान लीजिएगा, कोड जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको क्या मिल पाए, ऑफ मिल पाए। मैम चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया? यस बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया है कंप्लीट, और स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। डाउनलोड करो ऐप को, गोल में जाओ, मेन्यू बटन में जाओ, स्पेशल को सेलेक्ट करो, इनवाइट कोड देखो, इनवाइट कोड जो है बेटा वो सविता होगा, उसको यूज करो और स्पेशल क्लास यू आप अटेंड करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि लाइव पोल होता है जैसा कि मेंटी क्विज में होता है। लीडर बोर्ड पे आ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पिक्चर क्लिक किया और अपलोड कर दिया, और रियल टाइम लाइव इंटरेक्शन तो होगा ही अपना चार्ट्स और इमोजीज को यूज करके। तो बेटा जी आप यूज कर सकते हो और करके देखो। और इसमें तो मैंने क्या किया हुआ है, अभी स्पेशल क्लास में हम रिवीजन या फिर एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, तो वो जरूर अटेंड करना बेटा। कोई भी चैप्टर चाहिए उस पर सारे चैप्टर हैं, फिलहाल चैप्टर 1 भी है रिलेशन फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिगो भी है, उसके बाद मेट्रिसेस भी है, डिटर्मिनेंट भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है, डिफ्रेंसिएशन भी है, और अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी कुछ चैप्टर्स हैं। इन सब का 1 शॉट रिविजन भी और एमसीक्यू सीरीज भी है, तो आप जाके देख सकते हो, जैसे भी आपका टेस्ट होता है आप रिवाइज कर सकते हो। अरुण आज बेटा आज केस स्टडी प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ, 3 क्वेश्चन डाले, एक डिफरेंशिएशन में से, एक डिटरमिनेंट में से, और एक रिलेशन फंक्शन में से, उसमें चार मतलब एक स्टेटमेंट होगी, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, तो मुझे लगा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चन डाले हैं, तो रिवाइज करेंगे केस स्टडी प्रॉब्लम की, आप असर्शन वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? मैंने बेटा एलपीपी नहीं कराया अभी, इनवर्स ट्रिगो यहाँ पे नहीं कराया, स्पेशल क्लास में हो गया है तो वो बचा हुआ है, और आई थिंक रिलेशन एंड फंक्शन तो हो गया है कि नहीं कराया, इधर प्लस पे हो गया है, यहाँ बचा हुआ है ना, नहीं यहाँ पे भी हो गया शायद, तो ये 2 बचे हैं मेनली, तो एलपीपी और इनवर्स ट्रिगो। एक्चुअली मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि प्लस पे भी, स्पेशल पे भी, और यहाँ पे भी, सारे चैप्टर्स तो मैं एक एक बार करा चुकी हूँ, सिर्फ एलपीपी नहीं करा है कहीं पे भी एक बार भी, तो वो शुरू करेंगे। हाय हिमांशी बेटा, गुड गुड इवनिंग। सुधांशु गुड इवनिंग बेटा। करीना नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट चैप्टर बेटा नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। करण आई थिंक बेटा दूसरे चैनल पर आती होंगी, आई एम नॉट श्योर, दूसरे चैनल पर आती होंगी स्कॉलर्स पर शायद। हो गया चैप्टर 1 कॉमन? यस बेटा। अरे हिमांशी कोई बात नहीं बेटा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह है, एमसीक्यू सिर्फ सामने ऑप्शन लिखे हुए, बट सॉल्व पूरा करेंगे, नो शॉर्ट ट्रिक्स, नथिंग, रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन। इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा बेटा? एक बार एलपीपी कर ले फिर इंटीग्रेशन करेंगे। मैं तो अभी सोच रही हूँ कि एलपीपी के बाद पहले आपका एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँ कंप्लीट, 3 वो 1.5 घंटे वाला रिविजन करें जिसमें हम 40 क्वेश्चन करें, तो इस तरीके से आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करा दूं, और एक बार वो हो जाए फिर इंटीग्रेशन शुरू करें। हाय अनु, बिल्कुल बढ़िया बेटा। कहाँ से आ रहे हो बेटा? हिमांशी चलो अपना सेशन करें शुरू, रेडी हो बच्चे, एवरीवन शुरू करें बेटा जी। ओके बच्चे चलो, वेरी गुड, प्लीज स्टार्ट।
चलो रेडी बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो पता नहीं बेटा, एक तो आप लोगों की ना स्ट्रेंथ बड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, एक दिन बहुत सारे आते हैं, एक दिन थोड़े कम आते हैं, तो मुझे ये मिस्ट्री जाननी है कि ऐसा क्यों है। तो हम शुरू करने वाले हैं टर्म वन की प्रैक्टिस, करने वाले हैं एमसीक्यूज की। रेडी हो बेटा? करें स्वाति। हेलो बेटा। चलो हाय हिमांशु, शिवम। हेलो बेटा, प्लीज स्टार्ट फास्ट। चलो बेटा शुरू हो गया। हर्षवर्धन, चलो बेटा ओके बच्चे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, एक रिलेशन आर किसी सेट ए पर इक्वेलेंस कब होती है? जब रिफ्लेक्सिव हो, जब सिमेट्रिक हो, जब ट्रांजिटिव हो, और तीनों की डेफिनेशन गिवन है। करेक्ट बेटा, एवरीबडी नोज कि कोई भी रिलेशन इक्वेलेंस कब होती है, जब रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि अगर सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर आर में जाए, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में जाए, और अगर ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में जाए। तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ऑल राइट, आर यू गाइज रेडी? चलो बेटा पहला क्वेश्चन ये रहा, इफ द रिलेशन आर विच इज इक्वल टू 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3 डिफाइंड ऑन द सेट ए, देन आर इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्वेलेंस है? जल्दी से आंसर बताओ बेटा जी, फटाफट। सारे बेटे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। एवरी वन ऑप्शन डी। इक्वेलेंस कैसे हुई बेटा जी? इफ द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ए देन आर इज, देखो पहले तो ए में तीन एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, तो 1, 1 है आर में, 2, 2 है आर में, 3, 3 आर है, तो रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है बेटा। ओके इतना है। अब देखो 1,2 आर में है, बट क्या 2,1 आर में है? क्या 2,1 आर में है ये बताओ बेटा। वेरी गुड हर हर महादेव बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। बाकी बच्चों क्या हुआ? नो, डी इज नॉट द राइट आंसर बच्चे, डी इज नॉट द राइट आंसर। कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? पिट्टी कर दूं आप सब लोगों की? नो बेटा, नो मे बी, टेल मी द करेक्ट आंसर। नो बी एंड नो सी? हाउ बच्चे, कैसे? गुड इवनिंग राज, ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हर हर महादेव बेटा, अपना नाम बताओ। हर्षवर्धन ए इज द राइट आंसर। विवेक, हाउ कैन इट बी बी बेटा? कोमल, एक नहीं बेटा, हर एक पेयर के लिए चेक करोगे। अगर 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। सिर्फ एक पेयर नहीं कि 1,3 और 3,1 है तो सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर एक पेयर है तो दूसरा भी होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, बट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी आर में है, दो ऑप्शन लोगे, अगर ये दोनों इनपुट में है तो ए सी चेक करोगे। अब देखो सपोज आपने ये ले लिया है, एक ऑप्शन ले लो 2,2 एंड ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा बेटा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख के बताओ जल्दी से मुझे, मैंने अभी देखा था एंड आई नाउ मिस्ड इट। नो बेटा, इज वेरी इजी, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी बेटे। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो दोनों सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विलेंस भी नहीं होगा, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना बचा है।
तो देखो पेयर कौन सा दूसरा मिलेगा आपको, अगर आप लेते हो 2.2, 2.3 है, 1.2, 1.2 है, लेट मी चेक, लेट मी सी फॉर द रिलेशन, 3.2, अभी मैंने पेपर पे एक पेयर देखा था ना, नाउ आई सडनली मुझे दिमाग दिखाई नहीं दे रहा, 2.1 है, नहीं है बेटा, ये पेयर लो जैसे 2.3 और 3.1 R में है, तो क्या 2.1 R में है? 2.1 R में नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ जी बेटा, हर्षवर्धन 1.2 है और 2.3 भी है, बट 1.3 नहीं है, 1.3 तो है बेटा, 1.3 तो है, पेयर आप लेना 2.3 एंड 2, सॉरी 1.2, 1.2, नो नो नो, 2.3 एंड 3.1, ठीक है, 2.3 एंड 3.1 लिया आपने, तो यहां से पेयर मिला 2.1, वो आर में नहीं है, तो एक पेयर मिल गया जो आर में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। करेक्ट, ट्रांजिटिव नहीं है अनु, बिकॉज वी हैव 2.3 इन आर एंड 3.1 इन आर, और इनका पेयर मिल जाएगा 2.1, और 2.1 आर में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा बेटा, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, पार्ट ए आंसर आएगा। बोलो बेटे, क्लियर? हाँ जी बेटा जी, क्लियर बेटा, ओनली ऑप्शन ए। बिल्कुल विवेक, ट्रांजिटिव तब होगा बेटा जब ए बी एंड बी सी है और ए सी भी होना चाहिए, तभी होगा बच्चे, नहीं तो नहीं होगा। सो विवेक ऑप्शन ए बिल्कुल बेटा, आदित्य रिफ्लेक्सिव होगा, करेक्ट, हाई ए के। ऑलराइट बेटा जी, आई थिंक सबको अभी आंसर आ गया, सबने सेकंड का क्या बोला बेटा आंसर, क्लियर? ओके बेटा, करें सेकेंड का सिमेट्रिक रिलेशन सबने, ओके बिल्कुल बेटा, सेकेंड का सिमेट्रिक रिलेशन आएगा, इफ द रिलेशन आर 1.2, 2.1, 1.3, 3.1 डिफाइंड, देन आर इज व्हाट? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 पेयर नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है। थर्ड बताओ बच्चे, थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड का, थर्ड ऑप्शन, इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, आर में एक्स कोमा वाई पेयर आएंगे, वेयर वाई इज एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज लेस देन फोर, देन आर इज, तो पहले आर डिफाइन करो क्या होगा, आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आपका एक्स लेस देन फोर है और नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा एंड 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है, बस ये पेयर होंगे करेक्ट, क्योंकि आपका एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन फोर है और नेचुरल नंबर से शुरू है, नेचुरल नंबर है। y क्या है, x प्लस फाइव, यानी कि इसमें फाइव ऐड कर दो तो 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। अब बताओ ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक है? नहीं सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा बेटा? ट्रांजिटिव होने के लिए आपको पेयर ए बी और ए बी के साथ अगर बी सी है तब चेक करोगे क्या ए सी आर में है, ये इनपुट आने चाहिए, लेकिन अगर इनपुट नहीं है तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, अगर इनपुट दो नहीं मिल रहे हैं तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। डन, फुल क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं है ऊपर, बता आपको डेफिनेशन गिवन है, अब इनका आंसर देना था। विवेक अभी दिख रहा है बेटा, क्लियर बच्चे? इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा मैं आगे अड़ी हुई हूँ, सॉरी 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 फॉर दैट बेटा, सॉरी, मैंने अभी देखा, मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं स्क्रीन पर आ रही हूं। चलो आदित्य, आई नो बेटा, प्लीज डोंट स्पैम, आज क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहे, आई नो थोड़ा ब्लर्ड है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड।
इक्विलेंस करीना तब होता है जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, जब सिमेट्रिक भी हो जाए, और जब ट्रांजिटिव भी हो जाए। जब बेटे तीनों हो तब आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस। कोई बात नहीं अनु बेटा, अभी आ जाओ, अभी शुरू करें, आगे बढ़े बच्चे। इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वेयर 3x - y इज इक्वल टू 0, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस। ये बताओ बेटा। आदित्य बेटा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर दो फटाफट। हाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव? अरुण, थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तब होता है जब आपके पास सपोज दो पेयर हैं इस तरीके से कि ए बी और बी सी आर में है। अगर ये दो आर में है तो आप चेक करोगे, इसके बाद ही आप चेक करोगे कि ए सी आर में है या नहीं है। तो वहां पे एक भी ऐसे पेयर नहीं मिल रहे थे जिसमें ए बी और बी सी तरीके के एलिमेंट्स हो, यानी कि इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो। तो अगर ऐसे एलिमेंट नहीं मिलते हैं वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन देखो, एक ही कंडीशन है, अगर ऐसे दो पेयर हैं और ए सी आर में ना जाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे पेयर ही नहीं है तो दिक्कत की वाली बात नहीं है, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। नन ऑफ दीज राज, अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट डिफाइंड बाई आर एक्स कोमा वाई, आपका वाई है 3x के इक्वल, देन आर इज, यानी एक्स कोमा 3x पेयर बनाना है। तो देखो कौन कौन सा आपका पेयर बनेगा, एक बनेगा 1.3, एक बनेगा 2.6, फिर बनेगा 3.9, 12, ये पेयर आएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है आप बताओ। 5 तो आएगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है डेफिनेटली, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट यस ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1.3 और 3.9 आर में है, और 1.9 आर में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, बट 1.9 आर में नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। दिस इज नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा डी होगा बच्चे, डी होगा। चलो वीडियो पीछे चल रही है। ओके बेटा इंस्टाग्राम मैम थोड़ा हिंदी में, अरे बेटा हिंदी में ही तो बोल रही हूँ। चलो फिफ्थ पार्ट देखो। इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट 1, 2, 3 डिफाइंड एज आर 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, दिस 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 आर, बताओ बेटा क्या होगा? फिफ्थ पार्ट का आंसर बताइए। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा, बताओ बेटा। डी बेटा, इक्विवेलेंस, वेरी गुड वेरी गुड। हर हर महादेव। कोमल डी बेटा, बिल्कुल बेटा इक्विवेलेंस होगा। सबने निकाल लिया बच्चों, डी होगा इक्विवेलेंस। डी पार्ट होगा, बिल्कुल बेटा। सत्य, यस यू आर लिटिल लेट टुडे बेटा, एक एक क्वेश्चन हो गया, मतलब 5 पार्ट थे उसका, वो हो चुका है। हिमांशी डी इज द राइट आंसर। करीना बेटा डी आएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है तो इक्विवेलेंस होगा। ओके गुरु, ठीक है बेटा इक्विवेलेंस होगा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ जाते हैं फर्स्ट एक दूसरे स्टेटमेंट पर। अब ये स्टेटमेंट है आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पर, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आ रहा है अभी। बाय राज, बाय बेटा। तो अभी आंसर देखो, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू, हाँ राज महादेव बेटा आप प्लीज अपना नाम बताओ पहले तो। और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बच्चे मोस्ट प्रोबली, किसी चैप्टर में से इजी आ जाता है, किसी चैप्टर में से टफ आ जाता है। वो ही है बेटा, ठीक है। आदित्य, यस आदित्य, चलो बेटा
सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ एग्जिस्ट इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स. एवरीबडी नो कि अगर आपने वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं. उसके बाद अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसको बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. करेक्ट बेटा. अगर इसको आप तीसरी बार भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो उसको बोलेंगे थर्ड डेरिवेटिव, और उसको बोलते हैं डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, और इसको हम थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं. ठीक है बेटा. यानी आपसे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पूछ सकता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पूछ सकता है, और थर्ड ऑर्डर भी. वैसे थर्ड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. ओके हर्ष, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस कहीं से कर लो, इट्स ऑलवेज गुड. यस अनु, मैट्रिक्स के बेस, मैट्रिक्स केस बिल्कुल एट्थ वाले लगते हैं. चलो बच्चे, सो पहला क्वेश्चन देखो. देखो मैंने टेन इनवर्स के आपको फॉर्मूले नहीं कराए बच्चे, टेन इनवर्स वाला, बट अगर आपने पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिगो वाला तो यू कैन ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर वन. अदरवाइज वी कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ. व्हेन वी विल डू इनवर्स ट्रिगो देन वी कैन डू इट, बट यू कैन ट्राई बेटा, यू कैन ट्राई. फर्स्ट का जीरो, बिल्कुल करेक्ट बेटा, फर्स्ट का जीरो आएगा राज, बिल्कुल. मानसिक बेस्ट प्रैक्टिस बुक फॉर एमसीक्यू. बेटा देखो, पहले तो बोलूंगी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूर करो, उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, सभी अच्छी है, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी. जीरो आएगा बेटा. थैंक यू विवेक, थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच बच्चे. मोहम्मद अमन, बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूँ. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे, थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है. पहले तो लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अंदर. देखो आपको पता है ना, लॉग ई की वैल्यू वन होती है, और लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन. करेक्ट बेटा. और नीचे जो डिनोमिनेटर में है लॉग ई एक्स स्क्वेयर, यह क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन. लॉग ई की वैल्यू वन होती है तो ये बन गया वन माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर, और बाहर है टेन इनवर्स. आपको ये पता है बेटा, टेन इनवर्स वन माइनस ए अपॉन वन, सॉरी टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी. तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लग रहा है. देखो ए ये वन है, ए ये है बी, तो वन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं टू लॉग एक्स. तो ये वाली जो टर्म है पूरी बेटा, ये इसमें कन्वर्ट हो गई. सिमिलरली टेन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, तो ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी. फर्स्ट टर्म थी आपकी टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स टू लॉग एक्स, सो टेन इनवर्स टू लॉग एक्स से टेन इनवर्स टू लॉग एक्स कैंसिल, आपको मिला टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स थ्री, ये मिल गया. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा. इसलिए बेटा इसका आंसर आएगा सी पार्ट, जीरो. करेक्ट बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा. मोहम्मद अमन, बिल्कुल बढ़िया हूँ. स्वाति बेटा बस प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतना. अनु वाई बेटा पीछे अब जा रही है. ठीक है बच्चे, सेकंड का बता रहे कोमल, सेकंड का आंसर बताओ बेटा. चलो क्लियर हुआ सबको, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ बच्चों. सेकेंड, तो फर्स्ट का आंसर आया जीरो, सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चे.
गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग बच्चे. सो सेकेंड पार्ट, इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एस प्लस 3t, वाई इज इक्वल टू 2s माइनस टी, देन डी टू यू बाई डी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. क्या आएगा बेटा इसका आंसर? 32 डी आया है, 10 आया है. आर यू श्योर? यस बेटा, कॉमन डी, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा. डी आएगा बच्चे, यस डी आएगा. सारे बच्चों ने निकाला, पैरामीट्रिक फॉर्म है. बिल्कुल बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है. सो पहले तो देखो, आपने निकालना है डी टू यू बाई डी एस स्क्वेयर. तो पहले तो आप क्या निकालोगे उसके लिए? जब आपने डी यू बाय डी एस निकालोगे तो क्या आएगा? 2x इंटू डी एक्स बाय डी एस प्लस 2y इंटू डी वाई बाय डी एस. करेक्ट बेटा. यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एस क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी एस प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एस. तो यहां से आप निकालोगे डी एक्स बाई डी एस. कैसे निकालोगे? डी आंसर आएगा बेटा. सबका डी हो गया. क्विज लेंगे इनका हर्ष? बिल्कुल बेटा, इनका क्विज लेंगे, या तो मेंटी क्विज लेंगे या फिर स्पेशल क्लास में करेंगे. सबका आंसर निकल गया बेटा. यस डी आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा इसका बच्चों. आई होप सबका हो गया. इसको आगे सॉल्व कराने की जरूरत है? बिल्कुल बेटा. तो थर्ड पार्ट निकालो, अभी थर्ड पार्ट करो फटाफट. फिर थर्ड का कितना आया बेटा? डी ए बोल रहे हो? सत्या डी. बिल्कुल बेटा, डी इज द राइट आंसर. थर्ड का डी आएगा बेटा. डी आएगा बच्चों. बिल्कुल राज, बिल्कुल करेक्ट. माइनस टू कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स. बिल्कुल बेटा जी, डी आएगा बेटा. बिल्कुल, एफ एक्स आपके पास क्या है? एफ एक्स है आपके पास 2 log of sin x. पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या होगा? 2 log of sin x का 1 by sin x. साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स. तो आपको मिल गया 2 cot of x. दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 as it is cot x का माइनस कॉसेकेंट स्क्वेयर एक्स. तो -2 cosec² x आंसर. करेक्ट बच्चों, वेरी गुड समीर. बिल्कुल बेटा जी है. नेक्स्ट पार्ट करो, फोर्थ पार्ट. आई होप यू कैन सी इट. और ये अभी दिख रहा है बेटा? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, देन एफ ट्रिपल डैश एक्स बताना है. तो एफ डैश एक्स क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स ऐसे ही, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का एज इट इज साइन एक्स होगा. तो
माइनस साइन से माइनस साइन, टू कॉस एक्स ई रेस्ट पर एक्स बचा, दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे, टू एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ई रेस्ट पर एक्स प्लस टू कॉस एक्स एज इट इज ई रेस्ट पर एक्स, सो टू ई रेस्ट पर एक्स कॉमन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सो कौन सा पार्ट आया बेटा, बी पार्ट, बी इज द राइट आंसर बच्चे, फोर्थ का बी करेक्ट, सबका आ गया फोर्थ का बी पार्ट। फोर्थ का बी पार्ट सबका आ गया बच्चों, करेक्ट बेटा। यस सत्या बी आएगा, समीर बी आएगा, श्वेता कोई बात नहीं बचे, आदित्य हाँ बेटा चलो। अभी तो फोर्थ का आ गया आपका बी पार्ट, टू कॉस टू ई रेस्ट फॉर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आपके पास अब फिफ्थ पार्ट है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपने निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ वाई क्यूब एंड वाई टू, वाई टू है आपका डबल डेरिवेटिव जो करके आया वो, तो वो निकालना है बच्चे आपने। तो बेसिकली इसमें थर्ड डिफरेंशिएशन तक हम पहुंच जाते हैं, तो वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई क्यूब ऐसे ही ये मिलेगा डी थ्री, प्लस वाई टू एज इट इज, और ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आपने वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, आपने ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, और ये डी थ्री वाई और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, देन यू आर गोइंग टू इवेल्युएट कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, वैसे एग्जाम्स में नहीं आने वाला है क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड डेरिवेटिव नहीं आता है, तो आपको उसको सॉल्व करना है। आंसर बताओ बेटा सॉल्व करके जल्दी से क्या आएगा। गुड इवनिंग खुशाली। फोर्थ का बी कैसे बच्चे, ई रेस्ट पार एक्स साइन एक्स है, इसको तीन बार डिफरेंशिएट करना है, तीन बार, तीन बार डिफरेंशिएट करना है बेटा, तीन बार। इसका आंसर जीरो आएगा लास्ट वाले का। इसका देखो, इसको तीन बार डिफरेंशिएट करना है बेटा, कैसे करोगे, पहले बार तो ई रेस्ट पर एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज ई रेस्ट पर एक्स का, ये रहा, ये एक बार हो गया, दोबारा से करो ई रेस्ट पर एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज ई रेस्ट पर एक्स, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स का कॉस एक्स ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, आपको मिला टू कॉस एक्स ई रेस्ट पर एक्स, ये डबल डैश आया। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करो, टू एज इट इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई एक्स एज इट इज प्लस टू ई एक्स एज इट इज, सॉरी टू कॉस एक्स एज इट इज ई रेस्ट पर एक्स का ई रेस्ट पर एक्स, अब टू ई रेस्ट पर एक्स कॉमन ले लोगे, बच जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो बी पार्ट है। फिफ्थ का डी होगा बिल्कुल बेटा, जीरो आएगा। क्लास कब स्टार्ट हुई साग्निक, बजे 9 बजे। एक और क्वेश्चन है करीना, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें पांच पार्ट है, फिर सेशन अपना कंप्लीट हो जाए। सैटरडे विद 9 बजे क्लास शुरू हुई थी। हेलो संगमित्रा, हेलो बेटा खुशाली, हैव यू कंप्लीटेड एओडी एंड सी एंड डी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया बेटा कंप्लीट। ओके बच्चे चलो, हाँ जी बेटे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं खुशाली, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी और एओडी भी। प्लस पे क्या स्टार्ट होगा, प्लस पे बच्चे पहले एलपीपी शुरू कराऊंगी और इन्वर्स ट्रिगो शुरू करेंगे, एलपीपी एंड इन्वर्स ट्रिगो। इस महीने हमने शुरू किया है, कंप्लीट किया है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन एंड एओडी, लास्ट मंथ किया था रिलेशन एंड फंक्शन।
प्रताप, नो बेटा आई कांट शेयर माई कॉन्टेक्ट नंबर। हर्ष, आई नो बेटा अभी एप्स पे मैं एडमिन नहीं हूँ तो अभी नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम गोइंग टू गेट द यू नो एडमिन राइट्स, तो फिर उसके बाद मैं आपको अपलोड करूंगी बच्चे वहाँ पे क्लास सिलेबस। प्रताप पूरा पता है, आप एक बार स्पेशल क्लास जाके अटेंड करके देखो बेटा, वहाँ पे ना सारे के सारे वन शॉट रिविजन है, कंप्लीट सिलेबस है, स्पेशल पे भी और यूट्यूब पे भी देख सकते हो, प्लस पे तो मैं करा ही रही हूँ पूरा सिलेबस, तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हो, वन शॉट रिविजन है। अनो अंजू, मैथ्स की डेली होती है बट कैसे होती है कि यूट्यूब पे 3 दिन होती है, ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, बाकी दिन प्लस पे और स्पेशल क्लासेस पर होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग स्पेशल क्लासेस में भी कराऊंगी बच्चे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। गौरव परचेज 5 पेंस, 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज ₹16 फ्रॉम द सेम शॉप। धीरज ने 2 पेन, 1 बैग और 3 बॉक्सेस लिए, उसने ₹19 दिए। अंकुर ने 1 पेन, 2 बैग और 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस के ₹25 पे किए। कॉस्ट ऑफ 1 पेन बताना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बैग एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बॉक्स। तो पहले तो इसको मान लेते हैं कि 1 पेन का कॉस्ट है ₹X, 1 बैग का कॉस्ट है ₹Y, 1 बॉक्स का कॉस्ट है ₹Z। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पहली 5X+3Y+Z=16। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2X+Y+3Z=19। थर्ड इक्वेशन बनेगी बच्चे X+2Y+4Z=25। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बन जाएगा 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय XYZ=16, 19 एंड 25। अब आपने 1 पैन का कॉस्ट बताना है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, फिर वाई भी पूछेंगे तो पहले आपको XYZ निकालने पड़ेंगे। तो XYZ कैसे निकलेंगे बेटा, 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो और उसको 16, 19 और 25 से मल्टीप्लाई करो। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ एक्स वाई जी की वैल्यू क्या निकल के आती है। चलो बेटा सॉल्व करो, इनवर्स निकालो 5, 3, 1, 2, 1, 3 और 1, 2, 4 का और उसको 16, 19 और 25 वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। हर्ष मैम, क्लास टाइम चेंज कर दो प्लीज। हर्ष क्यों बेटा, यूट्यूब वाला? नो बेटा कोशाली, यूट्यूब पे नहीं कराया LPP। शिवांशु, नहीं शो हो रहा क्यों बेटा? इसी साल आपने टेस्ट दिया था क्या, वो दिया था क्या 10th के एग्जाम्स? यस कोमल, AX इज इक्वल टू, बाय हिमांशी, बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल कोमल, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बेटा, वेरी गुड। अब बच्चे जल्दी से मुझे एक्स वाई जी की वैल्यू बता दो। शिवांशु बेटा एक बार आप दोबारा से ट्राई करो, आई थिंक साइट पे होना चाहिए, अदरवाइज मार्कशीट्स भी आ गई होंगी अभी तक। तो टाइम टेकिंग है सागनिक, आई नो बेटा इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इनवर्स निकालना है, फिर आगे के पार्ट जल्दी जल्दी हो जाएंगे, आगे वाले तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट इनवर्स निकालने में टाइम लगेगा। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर 5 MCQs है तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, तो देखो 5 नंबर में तो इनवर्स निकालना आएगा ही आएगा, है ना, 5 मार्क्स के लिए इनवर्स निकालना वर्थ है, क्योंकि इनवर्स निकलते ही सारे आंसर्स आ जाएंगे। इनवर्स कैसे निकालोगे करीना, 2 मेथड है बच्चे, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके निकालो या डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालो, पहले एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो और डिवाइड कर दो एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से, तो इनवर्स निकल आए। स्पेशल क्लास की टाइमिंग काजल 8 बजे होती है हर वेंसडे को, और इस बार संडे को भी होगी 8 बजे। डिटर्मिनेंट ए -22 आया, ओके बेटा। सत्या 1 का सी होगा, सी तो होगा बेटा, पहले मुझे एक्स वाई और जी की वैल्यू बताओ बच्चे। मैम आई गॉट 90% बट अभी मार्कशीट नहीं खुल रही है। शिवांशु कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा बच्चे एक बार ट्राई करके देखो, मे बी इंटरनेट या सर्वर सर्वर डाउन होगा तो थोड़ी देर में पता चल जाए। थैंक यू आशुतोष बच्चे, 2 का ए होगा। चलो बेटा यू कैन यूज एनी मेथड MCQs में, खुशहाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि विच मेथड यू हैव यू यूज टू गेट योर आंसर, सो इन वट एवर मैथड यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट।
ओके सत्य, बाय बेटा। आई नो बेटा इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट टेक योर टाइम, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके। इन 5 मार्क्स बचे, तो बेटा अगर मैट्रिक्स मेंशन करेंगे, खुशहाली मेंशन करेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालो, तो यो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना। अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बोला है ए इनवर्स निकालो, तो आप एडजॉइंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो बेटा। टर्म वन बेटा सीबीएसई ने मेंशन किया था कि अक्टूबर एंड, अक्टूबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक कभी भी। सो प्रिपेयर रहो कि मिड नवंबर से एनी टाइम यू कैन गेट योर मार्क्सिट डेट शीट बेटा, योर एग्जाम। सत्या X1Y2Z5 ये निकल गया बेटा, X1Y2Z5। बोलो बच्चे, वेरी गुड, खुशहाली आपका यही निकला है बच्चों, बेटे यही निकला आंसर। अक्टूबर लास्ट वीक तो नहीं होगा टर्म वन, नो बचे अक्टूबर लास्ट वीक नहीं। अनुष्का जीते रहो बेटा, दिवाली के बाद होगा बिल्कुल। सो बेटा आपने एक्स वाई जी की वैल्यू निकाली, एक्स निकला 1, वाई निकला 2, जी निकला 5। इसका मतलब है कि एक पेन का कॉस्ट है 1 रुपी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 1 रुपीज, ये आंसर आया। अगर आपका वाई है 2, यानी कि एक बैग का प्राइस है 2 रुपीज, तो आपने बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बैग, तो 2 प्लस 1 3, तो ए आंसर आ जाएगा। करेक्ट, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बॉक्स? तो 1 पेन का अमाउंट है 1 रुपीज, 1 बॉक्स का अमाउंट है 5, तो दोनों का सम हो गया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। तो फर्स्ट का है सी, फिर आपके यहाँ पास आंसर बचा ए, और फिर आपके यहाँ पास आंसर बी। करेक्ट बेटा, फॉर्मल 1 5 y 5 आया बच्चे, आई थिंक y 2 भी आएगा बेटा, एक बार फॉर्मल चेक करना बच्चे। हाँ z 5 निकलेगा बेटा। नो बेटा दिस इज नॉट नीट कोचिंग, वी आर लर्निंग क्लास 12th MCQ राइट नाउ। सो MCQ प्रैक्टिस हो रही है बेटा मैथ्स की। नमस्ते शुभम। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर सी होगा 1, और आपके 1 पेन और 1 बैग का कॉस्ट, यानी ए पार्ट आएगा 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बी ऑप्शन मिलेगा 6 रुपीज। Y3 नो बेटा, Y2, सो Y+X3 आ जाएगा कॉमन, है ना। तो ये बताइए अब फोर्थ पार्ट का आंसर दो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आर ऑल ऑफ द अबाउ, ये बताओ बेटा। यस क्या रहा, ये चैप्टर करवा दिया बेटा। अब है प्रताप सिंह, हेलो बच्चे। सो बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वेयर मैट्रिक्स का निकलेगा, और डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। सो राइट आंसर इज डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सागनिक, बिल्कुल सत्या। अंजू नो बेटा, नॉट ऑल ऑफ द अबाव अंजू, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज एसोसिएटेड टू ओनली स्क्वेयर मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है, गलत बात, मैट्रिक्स नहीं होती डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नंबर है, किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, नो बेटा ओनली स्क्वेयर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो आप डिटर्मिनेंट। सो ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ओके अरुण, बाय बेटा। कोमल बिल्कुल बेटा, सी इज द राइट आंसर। टाइटन श्वेता, सी इज द राइट आंसर। डी फिफ्थ का बताओ बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बी इज इक्वल टू सी, प्रोवाइडेड। कब आप कहोगे, आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है बेटा, आप यहां से ये कह रहे हो कि बी और सी बराबर हैं, तो कब कह पाओगे, ये कब पॉसिबल है? अगर ए बी और ए सी बराबर होने से आपको बी और सी बराबर मिल गए, जब ए सिंगुलर हो जाए, जब ए सिमेट्रिक हो जाए, जब ए नॉन सिंगुलर हो जाए, या जब ए आपका हो जाए स्क्वेयर, ये बताओ।
फिफ्थ का सागनिक सी, नो बेटा, फियोडो बी, यस बच्चे डी, बी इज द राइट आंसर, नो सत्यन, डी इज नॉट द राइट आंसर, नो श्वेता, सी इज नॉट द राइट आंसर, कोमल बी होगा, बिल्कुल बेटा। देखो क्यों, अब देखो बच्चे, ए बी आपके पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए हट जाए, ए से डिवाइड करोगे तभी तो ए से ए कैंसिल होके बी इज इक्वल टू सी आएगा, ए से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किसको करते हो, जो नॉन जीरो हो, ए नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, डिवाइड कब कर पाओगे, डिवाइड अब तब कर पाओगे जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, या दूसरे शब्दों में बोलो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको दोनों तरफ बी और सी मिलेगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई बन जाएगा, बी इंटू आई इंटू सी मिलेगा। तो ए इनवर्स कब पॉसिबल है, जब ए नॉन सिंगुलर हो, तो ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। नो बेटा अंजू, सिर्फ स्क्वायर से बात नहीं पड़ेगी बेटा, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आई बन जाएगा। और ए इनवर्स कब पॉसिबल है, ए इनवर्स कब निकाल पाओगे, ए इनवर्स तो तभी निकाल पाओगे जब ए नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर बच्चों। तो ये था आज का सेशन, मैं वॉइस से सोच लो तनिषा, मैं तो बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ बेटा, प्लीज हाँ इंटरनेट एक बार कनेक्शन चेक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग हेयर एंड लर्निंग विद मी। तो स्पेशल ऑफर बता दूँ बच्चे, 9 मंथ्स का प्लान लेते हो तो 10% पे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट, 12 मंथ या 12 मंथ से ऊपर का प्लान लेते हो तो 10+ +10% डिस्काउंट। 3 दिन बचे हैं बस, जल्दी करो बेटा, कोड यूज करना सविता, सविता इज द कोड, ऐप को डाउनलोड कर लो, सारे फ्री फीचर्स यूज करो सेम कोड यूज करके, और बेटा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, जरूरी है कि आपकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए, वो नॉन सिंगुलर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटा कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके विवेक शुक्ला, IITN, हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कब है नेक्स्ट क्लास, कब है मैम नेक्स्ट क्लास बेटा, एक तो कल होगी मोस्ट प्रॉब्ली प्लस, अच्छा कल फ्राइडे है तो कल है बेटा शाम को 8 बजे, कल 8 बजे है क्लास अपनी। अरे अनुष्का वेलकम टू द सेशन बेटा, एंड टेक केयर, है ना, टेक केयर बेटा, वेरी गुड, एंड अच्छे से पढ़ना। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट क्लास बेटा कल है 8 बजे, अब है ठीक है, प्लीज कम कल 8 बजे, कल मिलते हैं 8 बजे सारे बच्चों। अब है मनीष, मनीष गुड इवनिंग बेटा, अनुष्का, प्रकाश, 11th AG के लिए कोई क्लास नहीं होती क्या, 11th अप्लाइड के लिए बेटा, AG बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूँ बच्चे, बिल्कुल बढ़िया हूँ। इज दिस 12th क्लास, यस बेटा इट इज CBSE क्लास 12th। श्वेता थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। अंजू आई नो बच्चे, बस पता टाइम थोड़ा सा टाइम टेबल बिजी हो जाता है कि प्लस क्लासेस भी लेनी होती है, स्पेशल भी लेनी होती है, यूट्यूब की भी, फिर 11th की भी होती है, 12th की भी होती है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली ले पाऊँ। ओके तो अभी तो प्लस और ये और स्पेशल चलती है, सो आई विल ट्राई कि हफ्ते में कम से कम 5 क्लासेस तो हों, तो अभी 4 होती हैं, 3 यूट्यूब पे, एक स्पेशल पे आप तो अटेंड कर सकते हो अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्लस है तो बेटा डेली हो जाती हैं फिर। बाय कोमल, बाय अनुष्का, मैम अनुष्का राम जेएनवी बेटा जी, टेक केयर, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर, बस बेटा कुछ हो गया था, कुछ अभी करूंगी, ठीक है, ओके अबे, यू कैन डू फ्रॉम दैट बेटा। 11th एग्रीकल्चर का पेड कोर्स, प्रकाश बेटा इसका आई हैव नो आइडिया, यू हैव टू टॉक टू द टीम, और आप एक बार अन अकेडमी पे बात करके देख लीजिए, ठीक है, दे विल हेल्प यू एंड दे विल सॉल्व योर डाउट्स मे से बेटर तरीके से, उनको सारी, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है बच्चे। सो बच्चों अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहो, खुश रहो, आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट सेशन में, ज़रूर आना, सी यू टुमारो 8 PM, बाय अंजू, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहो, पढ़ते रहो, एंड लेट्स क्रैक इट। स्पेशल क्लास बेटा वेंसडे एंड संडे को होगी, वैसे हर वेंसडे को होती है 8 बजे, इस बार संडे को भी होगी।
अनुष्का बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। गुड नाइट बेटा, टेक केयर।